नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइव्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल दिल दहला देने वाला एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड इतना ज़्यादा खौफनाक होने वाला है कि आप लोग सोच में पड़ जाओगे और आप लोग भगवान से प्रे करोगे कि किसी के साथ भी आपके दुश्मन के साथ भी ऐसी कोई भूतिया घटना या ऐसी कोई दुर्घटना ना घटे, क्योंकि आज का वीडियो है ही इतना ज़्यादा खौफनाक। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से जानते हैं कि आखिर ये किसके साथ घटना घटनी थी और कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग। ये जो फैमिली है ना, पर्टिकुलर पूरी फैमिली के साथ ये घटना घटी थी। ये पूरी फैमिली बिहार के भागलपुर की रहने वाली है। वहाँ पर इनकी लाइफ बहुत अच्छी खासी कट रही थी। जो पूरी स्टोरी है मार्टिन ने ही लिख के भेजा है, जो कि उसी फैमिली का रहने वाला है। इनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं था, इनका भागलपुर में अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था और मार्टिन के डैड और मार्टिन के चाचा ये दोनों मिलके वो बिजनेस संभाल रहे थे और इनकी फैमिली भी बहुत खुशहाली से बहुत अच्छे से रह रही थी। लेकिन एक साल ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग गर्मियों की छुट्टी पड़ी है, हम लोग को अपने गांव जाना चाहिए और गांव में जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए और थोड़ा मस्ती करना चाहिए। बच्चे लोग डिसाइड करते हैं और अपने घर वालों से बोलते हैं कि पापा प्लीज़ यार, इस साल तो अपन गांव चलते हैं। 2-3 साल से अपन लोग गांव घूमने नहीं गए। दादा दादी का भी बहुत मन करता है गांव जाने का, गांव देखने का। उनका गांव भी बिहार में ही था लेकिन भागलपुर से थोड़ा आउटर में था, मतलब एकदम छोटा सा गाँव था उनका। ये लोग अपने पापा मम्मी से बात करते हैं, मार्टिन और उसके कज़न लोग, तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग अपने बिजनेस को थोड़ा सा दूसरे के हाथ में देके और अपन चलते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाएंगे, 15 दिन के लिए जाएंगे। 15 दिन में जितना एंजॉय करना होता है एंजॉय करना और उसके बाद अपन वापस आ जाएंगे। तो मार्टिन और उसके भाई बहन सब बहुत खुश हो जाते हैं, सोचते हैं वाओ फाइनली इस साल हम लोग गाँव जा रहे हैं, मस्त गर्मियों की छुट्टी सेलिब्रेट करेंगे, आम तोड़ेंगे, जामुन तोड़ेंगे, झूला झूलेंगे गाँव में बकरियों के साथ और गाय भैंस के साथ, बहुत खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। एकदम इन लोगों का जो एक्साइटमेंट था ना, वो हाई लेवल पे था। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद पूछते हैं कि पापा हम लोग जाएंगे कैसे, ट्रेन से जाएंगे क्या, ट्रेन से? तो मार्टिन के डैड बोलते हैं कि नहीं, ट्रेन से तो नहीं जाएंगे, ट्रेन के लिए टिकट पहले से किए नहीं है और ट्रेन से जाना उतना कंफर्टेबल लगता नहीं है हमको। तो ये जो भागलपुर है, यहाँ से अपना गाँव यही 5-6 घंटे का रास्ता है, तो अपन कार ड्राइव करके आराम से जा सकते हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सैटरडे के दिन अपन निकलेंगे और उसके बाद अपन पहुंच जाएंगे, कैसे भी 12-1 बजे रात तक अपन अपने गांव में पहुंच जाएंगे। तो ये लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, हम लोग पैकिंग करते हैं और सारी चीज़ें अपना रखना स्टार्ट कर देते हैं। घर वाले बोलते हैं हाँ ठीक है, जाओ जाओ, लेकिन ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ से आने के बाद फिर बहुत पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। जितने दिन 15 दिन तुम लोग वहाँ पे इंजॉय करोगे उतना ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बस आप हमको गाँव लेके चलो। ऐसा ही होता है। जो इनका डेट फाइनल हुआ था कि हम इस तारीख को जाने वाले हैं अपने गाँव, उस दिन सैटरडे का दिन था। ये मार्टिन के मॉम, इसके डैड, इसके चाचा चाची, उनके 2 बच्चे, दादा दादी, ये सब लोग रेडी हो जाते हैं अपने गांव जाने के लिए। लेकिन इतने सारे लोग एक कार में तो आ नहीं सकते, तो इनको ऐसा डिवाइड करना पड़ता है कि मम्मी दादा और दादी और पापा एक कार में जाएंगे और चाचा चाची, चाचा चाची के 2 बच्चे और मार्टिन, ये लोग एक कार में जाएंगे और उसके बाद ये लोग अपने वहाँ पे गांव में पहुँच जाएंगे। ठीक ऐसा ही होता है। सैटरडे को शाम को इसके मार्टिन के डैड और चाचा यही शाम के 5 बजे तक अपने घर पहुँच जाते हैं और वो लोग भी नहा धो के आराम से रेडी हो जाते हैं गांव निकलने के लिए। सारी चीज़ें गाड़ी में लाद दी जाती है, जो भी गाँव लेके जाना था, जो भी कपड़े उपड़े बैग वैग जो भी पैकिंग हुई रहती है वो सब रख देते हैं। उसके बाद ये लोग कैसे कैसे करते करते इनको, मतलब घर से निकलते निकलते 6:30 बजे जाता है। ऐसा होता है, कितनी भी तैयारी कर लो जल्दी निकलेंगे, लेकिन निकलते निकलते इंसान को टाइम लग ही जाता है। 6:30 बजे तक ये लोग भागलपुर से अपनी गाड़ी निकालते हैं और ये लोग मस्त अपने गाँव के लिए निकल जाते हैं। बस ड्राइव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसके मार्टिन के डैड थे वो और उसके जो चाचू थे वो दोनों कॉल पे लगे रहते थे कि इस रास्ते से अभी ऐसे टर्न लेना तो साथ में मिल जाएंगे और थोड़ा बहुत आगे पीछे तो गाड़ी हो जाती है ना, तो कौन से रास्ते चलेंगे, कौन सा ईजी रहेगा, ऐसी बातें हो रही थी। तभी जो मार्टिन है उसके डैड बोलते उसके चाचू को फ़ोन करके कि आगे वाला जो हाईवे है ना वहाँ से अपन लेंगे, वहाँ से लेंगे तो थोड़ा अपना डिस्टेंस जो है वो कम पड़ जाएगा और अपन आराम से 10:30 तक अपने गांव पहुंच जाएंगे। जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना ज़्यादा बेटर है, रात के 12-1 बजेंगे तो गांव भी सुनसान हो जाता है और उधर इतना सेफ भी नहीं है इतने रात में जाना इतने बच्चों को और फैमिली को लेके।
तो सब उसके चाचू बोलते हैं हाँ ठीक है हम उसी हाईवे से निकलेंगे। तो जो डैड थे वो कार को थोड़ा स्पीड में ड्राइव करते हुए निकल जाते हैं आगे, और जिस हाईवे से डिसाइडेड था इनका जाने के लिए उसी हाईवे में चाचू भी अपनी कार भगा लेते हैं। लेकिन तभी चाचू कार ड्राइव कर रहे हैं, तभी उसकी चाची बोलती है मार्टिन की कि मुझे वॉशरूम जाना है, कोई ढाबा या होटल दिखेगा तो आप रोकना। तो इसके चाचू भी वैसा ही करते हैं, एक ढाबा दिखता है उसी हाईवे पे जिस हाईवे पे ये लोग निकले हुए थे घर जाने के लिए। तो उस ढाबे के पास जाती है जो चाची, जाती है वॉशरूम से आती है अपना। उसके बाद ये लोग उसके डैड को, मार्टिन के डैड को कॉल करते हैं कि कहाँ पे हो, कौन से रास्ते पे हो। तो बोलते हैं हम तो थोड़ा आगे निकल आए हैं, तुम लोग कहाँ रह गए। तो चाचू बोलते हैं कि वॉशरूम जाना पड़ा इसलिए थोड़ा हमको रुकना पड़ा। तो इसके मार्टिन पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं निकल जाता हूँ और तुम लोग भी आराम से आ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा लेट भी आओगे आधे घंटे तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मैं घर पहुँचता हूँ, घर पहुँच के कॉल करता हूँ। तो मार्टिन चाचू बोलते हैं अच्छा ठीक है आप भाई साहब जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आ जाऊँगा इनको सेफली लेके आऊँगा। ऐसा ही होता है, ये लोग वहाँ से हाईवे से और उस ढाबे से निकलने ही वाले होते हैं अपने गांव जाने के लिए। तभी जो ढाबे का मालिक था वो बोलता है कि आप लोग को कौन से गांव किधर जाना है। तो इसके चाचू बताते हैं कि हमें इस गांव यहाँ पे जाना है। तो ढाबे वाला बोलता है तो आप लोग ये हाईवे वाला रास्ता क्यों पकड़े हो, यहाँ से तो आप लोगों को बहुत अच्छा खासा दूर पड़ेगा, और जो रास्ता मैं आपको भी बताऊंगा वो आपको 8-10 किलोमीटर कम पड़ेगा उस रास्ते से अगर जाते हो, तो इतना डिस्टेंस आपको बच जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट आप लोग एक दूसरे हाईवे में लग जाओगे। तो ये लोग बोलते हैं हाँ तो फिर ठीक है कौन सा रास्ता बताओ। तो ढाबे वाला बताता है कि आगे से जाके चल के एक राइट आएगा, अगर वो राइट लेते हो तो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चाचू ऐसा ही करते हैं, जो ढाबे वाले ने बताया था उसी रास्ते पे निकल जाते हैं। और अभी टाइम हो गया था अच्छा खासा, रात के 9:30 बजे का टाइम हो गया था, ये लोग उस रास्ते पे चली रहे। जैसे ही वो लोग वो रोड पकड़ते हैं ना, क्या पाते हैं कि ये रोड तो बहुत ही टूटा फूटा टाइप का, बिल्कुल गांव वाला रोड है, जो कि प्रॉपर रोड नहीं रहता है, ऐसा मिट्टी का रोड नहीं रहता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने गाँव में कि मिट्टी का रोड रहेगा, लोगों ने बना दिया ऐसे कोई भी छोटी मोटी गाड़ियाँ जाने के लिए, वैसा टाइप का था। तो जो चाचू थे वो केयरफुली आराम आराम से ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि अभी भी उनके घर का रास्ता 1.5-2 घंटे का था। तो सोच रहे थे कि एक तो ही टूटा फूटा रोड है, ऊपर से गांव वाला एरिया, तो यहाँ पे थोड़ा स्लोली स्लोली आराम आराम से चलाना पड़ेगा। वैसे चला के जा रहे हैं, तभी अचानक से चाची बोलती है वो कौन भाग रहा है गाड़ी के पीछे। तो सब लोग गाड़ी के पीछे से देखते हैं, तो देखते तो बोलते कौन भाग रहा है, क्या हो रहा है। चाची बोलती है अभी अभी कोई अपने गाड़ी के पीछे भाग रहा था, मैंने देखा अभी अभी कोई तो था। तो जो मार्टिन था वो और जो उनके बच्चे थे वो और चाचू बोलते कोई तो नहीं दिख रहा है, कहाँ कौन भाग रहा है, तुम्हारा वहम होगा, सोके सपना तो नहीं देख लिया तुमने कुछ। तो चाचू बोलते नहीं नहीं मैंने कोई सपना नहीं देखा, कुछ तो क्या था मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चाचू बोलते एक काम करो तुम आराम से थोड़ा सो जाओ और मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मार्टिन तो जाग ही रहा है मेरे साथ, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता देगा ये। तो ऐसे ही करती है चाची सोने के लिए, थोड़ा ऐसे ही लेट जाती है आराम करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकान फील कर रही थी। अभी चला ही रहे चाचू कार, चला ही रहे हैं, ये लोग ना और सुनसान रास्ते में पहुंच जाते हैं, एकदम बंजर सुनसान रास्ता, दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, जैसे कि उस गाँव में कोई लोग रहते ही नहीं है, ऐसे गाँव में वो लोग एंटर कर गए थे। पता नहीं इतनी जल्दी कैसे गाँव के लोग सो गए थे या कहाँ गायब हुए थे, समझ में ही नहीं आ रहा था। वो अजीब सा रास्ता दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ खेत कहीं दिखाई दे रहे हैं तो कहीं पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, एकदम सुनसान लग रहा है। तभी मार्टिन क्या नोटिस करता है, जो चाचू है वो अचानक से कार की स्पीड बढ़ा दिए हैं, बहुत फास्ट कर दिया, जैसे कि लोग हाईवे में चलाते हैं। तो मार्टिन बोलता है चाचू चाचू ये क्या कर रहे हो आप, इतना फास्ट गाड़ी क्यों चला रहे हो, एक तो ये रोड भी खराब है, इतना फास्ट मत चलाओ। लेकिन चाचू कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते। मार्टिन बोलता है चाचू प्लीज प्लीज चाचू इतने जोर से मत चलाओ, मुझे डर लग रहा है। चाची को झकझोर के उठाते बोलते चाची देखो चाचू इतने जोर से गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, रोड देखो कैसा रोड है टूटा फूटा टाइप का। तो जो चाची थी बोलती है क्या हुआ आप इतने जोर से गाड़ी क्यों चला रहे हो, लेकिन चाचू कुछ भी नहीं बोल रहे, स्पीड बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कि चाचू के दिमाग पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, उनके हाथ पे कोई कंट्रोल नहीं है, गाड़ी एकदम फास्ट में चलती जा रही है। चलते चलते गाड़ी एक आगे चल के पत्थर में टकराती है और टकरा के गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी एक बार नहीं पलटती है, गाड़ी दो बार पलटती है उछल उछल के। जब गाड़ी पलटती है ना तो पूरा और सन्नाटा छा जाता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या।
सबका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जो मार्टिन था उसके हाथ में कांच घुसे हुए हैं, ब्लड निकल रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। जो चाचू है वो बेहोश हो गए हैं। जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ी बहुत चोट आई है, वो भी रो रहे हैं। लेकिन चाची बिल्कुल नॉर्मल थी। चाची को कोई भी चोट या कोई भी खरोच नहीं आया था। चाची बार बार मार्टिन को उठाने की कोशिश कर रही है, पानी मार रही है मुँह पे, लेकिन बोल रही है मार्टिन को, चाची की होश में रहना बेटा, बेटा तू संभाल अपने आप को, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, हमको कैसे भी बच के घर पे जाना है, मैं किसी से मदद मांगने की कोशिश करती हूँ। चाचू को पर पानी मार रही, चाचू होश में नहीं आ रहे, एकदम हाइपर हो गई थी चाची, और मार्टिन भी एकदम हाइपर हो गया था कि आखिर हमारे साथ हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारी गाड़ी पलट गई। किसी को यकीन नहीं होता, सब सुन पड़ जाते कि ऐसा हमने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं है कुछ। तभी कैसे कैसे करके चाची खींच खींच के, गाड़ी पलटी हुई थी, उल्टी थी, उसके अंदर से मार्टिन को बाहर निकालती है, अपने दोनों बच्चों को निकालती है, उसके बाद कैसे कैसे करके चाचू को होश में लाती है चाची, और वो भी बाहर निकलते हैं गाड़ी से। उसके बाद चाची पूछती है क्या हो गया था, पागल क्यों हो गए थे आप, इतनी जोर से कार चला रहे हो, कार पलट गई, वो तो भगवान का शुक्र है हम लोग जो जिंदा है, नहीं तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, क्या कर रहे हो आप ये। चाची बोलते कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे नहीं पता मैं गाड़ी इतना तेज कैसे चला रहा हूँ, मैं कैसे एक्सीडेंट हो गया, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। तो चाची बोलती है कि देखो आप घबराओ मत, हम सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम बस घर कैसे पहुँच जाए, आप फ़ोन करो अपने भाई को, फ़ोन करो भैया को। जब चाचू थे वो अपने भैया बड़े भैया को यानी कि मार्टिन के डैड को फ़ोन करते हैं कि भाई साहब हमारा एक्सीडेंट हो गया, ये सारी प्रॉब्लम हो गई है। तो वो बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो, मैं तो घर पे पहुंच गया हूँ, और तुम लोग कौन से रास्ते से आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, कैसे एक्सीडेंट, सारी चीज़ें पूछते हैं। हाइपर जाते डैड भी उसके मार्टिन के। तो वो बोलते हैं कि हाँ भाई साहब आप आ जाओ, आ जाओ, कुछ भी करके आ जाओ, उनको घर पर छोड़ दो, भाभी को और बाबूजी को उनको कुछ बताना मत, बस आप गाड़ी लेके कैसे भी आ जाओ। लोकेशन बताते हैं चाचू कि हम इस गाँव में ऐसे वाली जगह पर हैं। ये जो लोकेशन था इनके गाँव से 5-6 किलोमीटर दूर था, मतलब अच्छा खासा नज़दीक था, ज़्यादा भी दूर नहीं था। तो तभी चाची, चाचू, मार्टिन, दोनों बच्चे सब एकदम हाइपर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तभी अचानक से उन्हें एक आदमी दिखाई देता है पीछे से बाइक से आते हुए। उस आदमी से ये लोग हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया, सारी चीज़ बताते हैं। तो वो आदमी लकीली उसी गाँव का था, और वो आदमी जाता है चिल्ला चिल्ला के और भी लोगों को उठाता है, गाँव के लोग आते हैं, इनको पानी वानी पिलाते हैं। और लकीली उस गाँव में एक छोटा मोटा डॉक्टर भी था, जो डॉक्टर इनको देखता है। फिर तब तक इसके मार्टिन के डैड आते हैं और ये लोग इन अपने घर पहुंचते हैं, वहाँ पे अपने गांव में पहुंचते हैं। तो सबको कुछ समझ में नहीं आती कि आखिर एक्सीडेंट हुआ तो हुआ क्या, कैसे हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन चाची ने जो देखी थी ना, वो बोलती है कि मैंने कुछ तो अलग अजीब देखी थी, कुछ तो वहाँ पे अजीब फील की थी, जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ आखिर वो था तो था क्या। तो इसकी मार्टिन की मम्मी बोलती है कि हमको किसी को दिखाना चाहिए, कुछ तो बुरी आत्मा या किसी का साया है जो हमारे पीछे लगा हुआ था, जिसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ है। ये लोग ऐसा ही करते हैं, एक बाबा जी को दिखाते हैं, बताते हैं कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें हुई। तो बाबा जी बोलते हैं कौन से गांव की बात कर रहे हो, तो ये लोग बताते हैं ये पर्टिकुलर गांव, उसका नाम बताते हैं कि इस गांव में हमारा एक्सीडेंट हुआ था। बाबा जी बोल रहे हैं उस गांव में क्यों गए थे तुम लोग, और वो भी रात के वक्त। ये लोग बोलते क्या हुआ, हम तो वहाँ से कार से आ रहे थे अपनी, हम अपने गाँव आने के लिए। तो बोल रहे उस गाँव में दो आदमी की आत्माएँ घूमती है, जो लोगों को ऐसी गुमराह करके लोगों को मार डालती है, लोगों का एक्सीडेंट वहाँ पर आए दिन होता है, इसलिए उस गाँव का कोई बंदा नहीं आता कार वार लेकर रात के टाइम नहीं घूमता है। तुम बाहर के होके उस गांव में आ गए। ये लोग बोलते कि हमको नहीं पता था, हमको ढाबे वाले ने बताया था कि उसी रास्ते जाओ नज़दीक पड़ेगा। तो बाबा जी बोलते हैं कि वो तो अच्छा हुआ कि तुम लोग जिंदा बच गए, वो जो दोनों आत्माएं थी वो नॉर्मल आत्माएं नहीं थी, वो जो गांव है ना, जिस गांव का कुआं तुमने देखा होगा जहां पे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उसके जस्ट राइट साइड में कुआं होगा। ये लोग बोलते हैं हाँ कुआं तो था, लेकिन आपको कैसे पता। बाबा जी बोलते हैं कि वो कुआं जो है ना, उसी कुआं में दोनों आदमी की मृत्यु हुई थी डूब के, और तब से वो लोग ऐसे लोगों को हंट करते हैं, और वो इसीलिए तुम्हारी कार को दो बार उछाल के पलटा था, क्योंकि वो चाहता था तुम्हारा कार कुआं के अंदर डूबे और तुम लोग भी कुआं के अंदर जाके मरो। ये लोग बिल्कुल शॉक उड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों चाह रहे थे वो लोग। बाबा जी बताते हैं कि वो आत्माएं अभी भी तुम्हारे घर के आसपास मंडरा रही है, लेकिन तुम्हारे घर के जो कुल देवता हैं उनकी वजह से वो कुछ भी तुम्हारा नहीं बिगाड़ पा रही है। वो जो चाची जी है वो कुल देवता को बहुत ज़्यादा मानती है, उनकी पूजा पाठ करती है, इसलिए उनको कोई भी खरोच नहीं आया था, और इसीलिए अभी भी तुम लोग सेफ हो अपने कुल देवता की वजह से। ये लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब शुक्रगुजार होते हैं कि चलो कैसे कैसे हम लोग ठीक हो गए, और उसके बाद से वो लोग लाइफ में कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरे थे, उस गांव के रास्ते से, और अभी उनके लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस दिन वो लोग मान गए कि हाँ भूत प्रेत होते हैं, और ऐसी आत्माएँ कुछ भी किसी का बिगाड़ सकती है, कुछ भी कर सकती हैं।
बहुत सोचने वाली बात है। आप लोग बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी ऐसी खौफनाक वीडियो आए सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलती हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।